जितने भी यहाँ पे सीआईसी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आईसीएससी क्लास 10 के हों, चाहे वो आईएससी क्लास 12 के हों, अगर आपका भी रिजल्ट अभी आना बाकी है दोस्तों, जो रिजल्ट सीआईएससी के आने वाले हैं 2023 एग्जामिनेशन के, चाहे आप दोस्तों आईसीएससी क्लास 10 के हो, चाहे आप आईएससी क्लास 12 के हो, आपके रिजल्ट डेट को लेकर यहाँ पे काफ़ी बड़ी डिक्लेरेशन जारी हो गई है, जिसके माध्यम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, जो स्ट्रेटजी, फुल जानकारी यहाँ पे आती रहती है, आप लोगों से मिसिंग ना हो। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट डेट के बारे में काफ़ी बड़ी कन्फर्मेशन काउंसिल की तरफ से रिलीज करने वाली है। तो दोस्तों आपको इस अपडेट के लिए पूरी पूरी जानकारी ध्यान से सुननी पड़ेगी, वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, चाहे वो आईसीएससी क्लास 10 के रहे हों, चाहे वो आईएससी क्लास 12 के रहे हों, यहाँ पे आप लोगों के रिजल्ट मेकिंग प्रोसेस को पूरी तरह से यहाँ पे पहली बात तो कंप्लीट कर लिया गया है। जिस प्रकार से आपके स्कूल बोर्ड को जो काउंसिल कमेटीज दोस्तों आपके वाया एफिलिएशन में जो बातें भेजती हैं, जिस प्रकार से काउंसिल कमेटी आपके स्कूल बोर्ड्स को वाया सर्कुलर्स जानकारी प्रोवाइड करती रहती है, जिनमें आपके इंटरनल असेसमेंट्स के नंबर जो आपके ऐड होते हैं मार्कशीट में, प्लस जो प्रोजेक्ट मार्क्स आपको मिलने वाले, क्योंकि जाहिर सी बात है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीआईएससी की बात करूँ, चाहे मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, चाहे मैं सीबीएसई की बात करूँ, कोई भी बोर्ड कभी ये नहीं चाहता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो पहली बात लो रहे। ठीक, इससे पहली बात तो काउंसिल के ऊपर काफी गलत इंपैक्ट पड़ेगा रेपुटेशन पे। दूसरी चीज आती है जो परसेंटेज होते हैं, जो यहाँ पे परसेंटेज होते हैं उनको इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसके बारे में काउंसिल हमेशा चिंतित रहते हैं कि कैसे हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके परसेंटेज को हाई अप करें, क्योंकि जो बोर्ड की रेपुटेशन है वो डाउन ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे सीआईएससी, यहाँ पे आपके सभी स्कूल्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको वाया मीटिंग इन बातों को भी जाहिर कर रहा है, बोल रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट मार्क्स या इंटरनल असेसमेंट्स के नंबर्स जो मेकिंग हो रहे हैं, प्रोसेस में हैं, उनको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जो मार्कशीट्स बन रही हैं, जो कॉपीज चेक हो रही थी, उसकी प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब जो यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं उनमें कई बच्चे ऐसे भी जो फेल हो रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले देखा जा रहा है। तो पहली बात तो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पे सीआईएससी कि कोई भी बच्चा फेल ना हो, पहली बात तो कोई भी बच्चा फेल ना हो। अब उसके लिए काउंसिल दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, पहला है आपके स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को इस बारे में जानकारी प्रोवाइड करना कि वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट मार्क्स प्लस आपके जो इंटरनल असेसमेंट्स हो रहे हैं उन पे थोड़ा नंबर्स को यहाँ पे अपग्रेड किया जाए। ठीक है, नंबर्स को अपग्रेड किया जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो नंबर्स सीआईएससी खुद अपलोड कर रहा है वहाँ पे उन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है कि किसी बेसिस पे यहाँ पे जो कॉपी चेकिंग प्रोसेस में कुछ ऐसा मिस्टेक तो नहीं हो गया जिसके बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों के नंबर्स कम हो गए हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों का काफ़ी बड़ा एडवांटेज देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है आपके सभी जितने भी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं वो भी लगातार काउंसिल के संपर्क में कि यहाँ पे नंबर्स मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए। तो अगर आप भी आईसीएससी क्लास 10 या आईएससी क्लास 12 के हैं तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वीक ऑफ मे आपके रिजल्ट्स को अनाउंस किया जा सकता है एनी टाइम एनी वेज। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कब रिलीज किया जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पहली बात तो बता दूँ कि फर्स्ट वीक में यहाँ पे आप लोग एज 2 PM आपके आईएससी और आईसीएससी दोनों को रिजल्ट हो सकता है यहाँ पे सेम डे आ जाए, पूरी कंफर्मेशन है लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मे, यानी कि किसी भी समय यहाँ पे एनी टाइम आपके रिजल्ट को अनाउंस किया जा सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग बेल नोटिफिकेशन वालों पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप लोगों से इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। रिजल्ट आता है, कहाँ चेक करना है, कैसे चेक करना है, वेबसाइट नहीं ओपन हो रही तो वहाँ पे क्या करना है, तो पूरी जानकारी हमें हम लोग उस दिन तो लाइव रहेंगे, आपको एवरी डे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी आती है, जो रिजल्ट बन रहे हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान दिया जा रहा है। पहली बात तो आपके जो स्टेप वाइज आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं, जिन लोगों ने अधिक रिटेन किया, मतलब कोशिश किया है कि जो क्वेश्चंस हैं उसके अधिक रिटेन में आंसर दिए जाएं, उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, उनके नंबर्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, उनको अधिक नंबर मिले हैं, और इस चीज़ का दोस्तों उनको काफ़ी अच्छा प्राउड भी है कि हाँ हम लोगों ने मेहनत की है। अब जो लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत ढिलाई कर गए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है भाई, जाहिर सी बात है सब लोग एक जैसे, कोई कोई फिजिकली प्रॉब्लम होती है, कोई कोई मेंटली प्रॉब्लम होती है, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को स्कूल से ही जो होप मिलनी है वो मिलेगी, क्योंकि उसके लिए सीआईएससी खुद कुछ नहीं कर सकता है और ना ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ वॉइस रेस कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारे जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर सीआईएससी के हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उन्होंने इस जानकारी को हमसे भली भांति शेयर किया है कि इस बेसिस पे यहाँ पे जो कॉपीज चेकिंग होती है उनमें इन पॉइंट्स व्यू का ध्यान दिया जाता है।
तो पहली बात तो एग्जाम तो अब हो ही गया है, कोई बात नहीं उसके रिगार्डिंग अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स हैं वहाँ पे इनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी, एक आइडिया लग गया होगा एग्जाम रिजल्ट डेट का आप लोगों के। पसंद आई वीडियो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी जैसे कोई नई नोटिफिकेशन, नई अपडेट निकल के आती है न्यूज़ मीडिया पोर्टल या काउंसिल कमेटी की तरफ से, तुरंत यहाँ पे आपको ICSE हेल्प यूट्यूब चैनल में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा।